मैं तकरीबन 120 की स्पीड में था जब इसका एक्सीडेंट हुआ। उसके 5 मिनट बाद मैंने इसे कॉल की है कि दानल भी क्या हाल है, घर पहुंच गए नाश्ता करने चले। मुझे कह रहा है कि भाई मेरा एक्सीडेंट होगा, मारा वाला रोड पे लेटा हूँ, घर से मुझे लेने आ रहे हैं। क्या हुआ? कहता 120 की स्पीड में मैं आ रहा था, मेरा बाइक स्लिप हुआ। उनका क्या हुआ, बच गया? कहता नहीं, आपके भाई को क्या आना था? आपका भाई बिल्कुल ठीक है, आपके भाई को हो क्या? भोसड़ी के तेरी ना, मैंने गाय में हाँ, ये वही है जो टेंशन लेने के लिए अपनी जहल अवाम के सामने तू तू मैं करके मोटिवेशन के अल्फाज झाड़ेगा, बाद में ब्रेड से मुंह धोकर किसी को भी एक्सपोज करने लग जाएगा। इंस्टाग्राम को इनसे हराम किया इस बंदे ने। अगर मैं तुम्हें कहूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, दानियाल नदीम का एक बाप है। ना ये बिल्कुल मत कहना। तुम ये कह सकते हो एक हॉल के अंदर लड़कियों ने ग्रुप बनाया हुआ था और वो खामोश बैठी थी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें सुनाता हूँ झूठ प्रो मैक्स बेगैरत लिमिटेड एडिशन। तकरीबन सुबह 7 बजे का वक्त था, मैं आरी वाली रोड पे था, धूप निकली हुई थी, खाली रोड था, नया हाईवे बना अभी, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उन्हें पता भी होगा इस चीज का। मैं तकरीबन 120 की स्पीड में था, मैं किसी चीज में लगा नहीं हूँ, मैं किसी खड्डे में आके नहीं गिरा, मेरा फुल फोकस था। जब इसका एक्सीडेंट हुआ उसके 5 मिनट बाद मैंने इसे कॉल की है कि दानल भी क्या हाल है, घर पहुंच गए कि नाश्ता करने चले। मुझे कह रहा है कि भाई मेरा एक्सीडेंट होगा, मारा वाला रोड पे लेटा हूँ, घर से मुझे लेने आ रहे हैं। उनका क्या हुआ? कहता 120 की स्पीड में मैं आ रहा था, मेरा बाइक स्लिप हुआ है। उनका क्या हुआ, बच गया? कहता नहीं, आपके भाई को क्या आना था? आपका भाई बिल्कुल ठीक है, आपके भाई को हो क्या सकता है? अकॉर्डिंग टू अदर ब्रदर, इसके गिरने के ठीक 5 मिनट बाद दानियाल को कॉल की इसने नाश्ता करने के लिए। भाई देख, या तो तुझे घर में कोई मुंह नहीं लगाता जो तुझे कुछ सर्व करे, या फिर तू जो बैठ के अपने मुंह से बातें खोल रहे ना, ये थोड़ी कैजुअल है। और इसके गिरने के बाद इसका नूर कहाँ गायब हो गया? मैंने इसे आगे समझाया, भाई तुझे फेम मिल रहा है तो थोड़ा डाउन टू अर्थ चला कर, लोग तो जाने लग पड़े हैं, तू ये नजर लग रही है। फेम मिल रहा है तो नजर लग गई, और इसी नजर की वजह से ये 120 की स्पीड में था और गिर गया, और वो भी उस रोड पे जो बिल्कुल खाली थी, और उसका फोकस भी पूरा था बाइक पे, लेकिन फिर भी पिछला व्हील लॉक हो गया। अबे व्हील था या कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन। और ये चीज इसको भी नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ, कोई रैंडम बंदा इंस्टाग्राम यूज कर रहा होगा, उसको इसकी रील रिकमेंड हो गई, तो क्या उसकी नजर पड़ेगी इसकी रील के ऊपर, और फिर ऐसे इसका व्हील लॉक हो गया। अबे बिना स्क्रिप्ट के रील बनाओगे, अपनी ही पाद के अंदर सांस लोगे, बाकी तेरी ऑडियंस को क्वेश्चन करना तो आता ही नहीं। और अभी तक पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की नहीं, और ना ही कोई ऐसी चीज इजाद हुई है। ऐसे ट्रोपी ड्रामे और झूठ बोल के तू अपनी आवाम की नजरों में गिर रहा है। बाकी सब छोड़ो, इस मोटी अकल वाले को देखो, ब्रो बाइक पे इतनी रात को नहीं जाना चाहिए था। शॉपिफाई के नाम से कोई चर्स या गांजा भी बिकने लगा है क्या, जो ये फूक के बैठा है? अबे दिन में गिरा है वो भी 7 बजे, अंधे भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, बस यही दो आंखों वाला नहीं पहुंच पाया। अब मैं ऑफ द टॉपिक एक बात कर रहा हूं, जो कि एक ट्रू मोमेंट है, जो मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। ठीक 2 हफ्ते पहले धनुषा का मिला था एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने मुझे कॉल किया, वो मुझे बोल रहा था कि भाई तू हमारे साथ चल रहा है उस मेले पे। मैंने उसको कहा नहीं भाई, मेरा कोई प्लान नहीं है। फिर उसने मुझे बताया कि भाई मेले के अंदर बड़े बड़े झूले भी होते हैं, एंड एट दिस एज यही मेरा फेयर था जिसको मैं दूर करना चाह रहा था, और मैंने उसको किया भी। तो हमारा बिगेस्ट फेयर है जो आज हम उसको दूर करेंगे, वो था ये। वैसे तो मुझे हाई फोबिया है, लेकिन कोशिश करते हैं आज इसको खत्म करते हैं। अब मैं ये चीज तुम लोगों को बता क्यों रहा हूँ, हमारे साथ वहाँ पे हुआ था हादसा, और वो भी हाईवे पे। हम 6 लोग थे और हमारे पास 2 बाइक थी, 125, तीन जा रहे थे हम। मैं 70-75 की स्पीड पे था, और जो मेरा दोस्त था वो तकरीबन 80 की स्पीड पे था। जैसे ही उसका अगला टायर ब्रस्ट हुआ ना, उसके पीछे भी ट्रक था और उसके आगे भी ट्रक था। 3 बार उसने अपनी बाइक को गिरने से बचाया अपने पांव दे के। बाइक उसे ओवर कंट्रोल हो गई, साइड पे नई रोड बन रही थी जिसकी वजह से साइड पे मट्टी पड़ी हुई थी, तो उसने मट्टी के ऊपर ही बाइक मार दी। इसकी तो सिर्फ थोड़ी सी पैंट फटी हुई है और हाथ पे छोटी चोट आई थी बस, इसकी टांग की हड्डी तक वाजी हो चुकी थी। तो ये थी 80 की स्पीड और बाइक भी थी 125, और गिरने का एक सही रीजन भी। इसके पास थी हैवी बाइक और ये 120 की स्पीड में था, और गिरने का रीजन लुल। भाई तू 120 की स्पीड से गिरा है, तेरी बाइक भी बच गई, तू भी बच गया, अपना सदका उतार, उसकी रील बना के अपलोड कर। पर नहीं भाई साहब, व्हाट्सएप स्टेटस बना के अपलोड करेगा विद अरिजीत सिंह सैड सॉन्ग, और हाँ वाज़े नजर भी लिखना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले तुम्हारी गलती की वजह से ये गिरा है। इसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो चुपचाप जा रहा था। अब बंदकल इस चीज से एक लाइफ लेसन ले, अपने डीएम स्टोर में नजर ना लगने वाली कोई चीज या आइटम बेचना शुरू कर दे। ऐड तो तेरे पास पहले ही बना हुआ है। जैसे ही आप इस दुनिया में पैदा होते हो तो आपके साथ आपका नाम भी एग्जिस्ट करता है, और जब आप और लोगों के मोटिवेशंस और लोगों की किताबें पढ़ पढ़ के लोगों को मोटिवेट करते हो, लोग समझते हैं आप असल मोटिवेशनल स्पीकर हो, और ऐसे ही आप फेमस हो जाते हो। 1000 आंखों में एक आंख ऐसी होती है जो आपको लग जाती है, और उसे नजर कहते हैं। मुझे ताज़ा फेम मिला है और मैं गिर गया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नजर की वजह से, और अब मुझे पता चला कि नजर भी एग्जिस्ट करती है। तो इससे बचने के लिए मैंने बाबा के अंडे उबाल उबाल के एक तावीज बनाया है। इस तावीज का नाम है MMCH, और ये आपको मिलेगा मेरे DN स्टोर में सिर्फ 3,999 रुपए का। और पहले जो 100 बंदे जाके इसको बाय करेंगे उसको मेरा चूपा फ्री है। तो ठीक, इसका धंधा और करियर ऐसे ही चलता है, लोगों को चूतिया बना के। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है।
तो यार दानियाल कह रहा है कि लड़ना तो बताओ यार, हम लड़ते छड़ते नहीं है। मैंने ना शाम को दुबई निकल जाना है, तो अगर आपने आके वेरीफाई करना है 2 मिनट लगने हैं डैशबोर्ड। शॉपिफाई किंग, तुम वाकई में दुबई जा रहे हो या तुम हमें अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? सेकंड ये कि मैंने तुम्हें लड़ने का नहीं बोला था, मैं ऐसे लड़ाई झगड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के पंप नहीं आए, तुमने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। लोग तो बोलेंगे कि एक दूसरे का जाके गिरे बांध पकड़ लो, लेकिन एक अच्छे और सिविलाइज बंदे की यही निशानी होती है कि वो झगड़ों के बजाय नेगोशिएशंस की तरफ जाता है। रुको जरा, देखो आंसर, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तब भी मुझे बता दो। कहाँ गई तेरी निगोशिएशन? और तू क्या लड़ेगा, तुझे तो पता नहीं खाली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कितने वर्ड रिपीट करने पड़ते हैं। पहले अपने मुंह से एक बात एतराफ करो, फिर अगले दिन अगले रील में कल्टी मारो, और ऐसा करना इसकी नजर में निगोशिएशन है। पहले लूसी कुत्ते की तरह व्यूज लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए हाथ धो के किसी के भी पीछे पड़ जाओ, मेंशन कर करके प्रूफ मांगो, और जब अगला बंदा भी सारे प्रूफ दे दे तो उसे भौंकना बंद करके उसके पीछे दो मिलना शुरू कर दो। अगर तुझे उसके सारे प्रूफ मिल भी गए तो नदीम खुद से उसे पब्लिकली एडमायर भी कर, उसे माफी मांग। तू जैसे मेंशन कर करके तुझे जलील करता रहा है, ठीक वैसे मेंशन करके अपोलॉजी की वीडियो भी बना के अपलोड कर दे। अब इनका इंस्टाग्राम के ऊपर फड्डा तो कब का क्लोज हो चुका है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर अभी भी पुराने रील्स डाल रहा है। क्या पता इंस्टाग्राम के जैसे यहाँ पर भी अटेंशन मिल जाए। अब इस सब मैटर के अंदर जो बेचारी आवाम इसको गरूर से सपोर्ट कर रही थी, और एंड में गरूर का ही सर नीचा, सब बेचारे स्पीचलेस हो गए। एक्चुअल में फड्डा खत्म ये भी नहीं करना चाह रहा था, तभी तो इसकी रील्स के ऊपर रील्स निकलती आ रही थी। इतना ही बंदा वेल एजुकेटेड होता, अपनी आवाम को फुद्दू ना बनाते हुए जाके सीधा उससे निगोशिएशन कर लेता, बात ही खत्म हो जाती। पर नहीं, गलती अपनी, मेरे मुंह पे मार। पर कसूरवर अवाम को ठहरा दिया, जो मसले इशू एक्सपोज किए, फंडे डाले, वो सब तेरे थे, ना कि अवाम के। 120 की स्पीड से गिर के भी ना समझने वाले जहल इंसान। सो दिस इज हाउ सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर डज। अब एक चीज जो है मुझे समझ नहीं आ रही, बैकग्राउंड में पैसे की पिक्चर, जिम की पिक्चर और किसी मोटिवेशन के आर्ट लगाकर मैं खुद को मोटिवेशनल स्पीकर कह दूं तो मैं बन जाऊंगा मोटिवेशनल स्पीकर? अबे यही लोग असल में स्कैमर हैं, और ये तो सस्ती चीजें लेकर हराम में बेचने वाला हिलाली है। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसी के ही कस्टमर आए हैं जिनको ये चूना लगा चुका है। इंसान गिरता अपनी गलती की वजह से है, और फिर इल्जाम लोगों की नजरों पे। खैर बाकी सब छोड़ो, 120 की स्पीड से ये जा रहा था। आओ अब देखते हैं कि पैसा कैसे कमाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में पैसे कमाते कैसे हैं। स्टेप नंबर 1, अपने लिए एक अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढ लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मरकज ऐप है ना, यहाँ पर आपको लाखों प्रोडक्ट्स होलसेल रेट पे मिल जाएंगे। आप इनमें से यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लें। अब मैं आप लोगों को बताने लगा अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक। यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट पहले अपनी जात के लिए ऑर्डर कर लें। पहले मैं मरकज से कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट उठाता हूँ जिसकी मेरे हिसाब से सेल काफी कम होगी, फिर मैं आपको वो प्रोडक्ट बेच के दिखाता हूँ। मैंने ये रूबिक्स क्यूब ऑर्डर कर लिया, मार्केट में 700 तक का सेल हो रहा है और हमें यहाँ से 250 रुपए का मिला। अब मैं 4 घंटे लगा के इस रूबिक्स क्यूब की एक एक इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और कोई ऐसे पिक पॉइंट चुनूंगा जिससे कस्टमर फौरन इंप्रेस हो जाए। स्टेप नंबर 2, अब मैं इसकी एड बनाऊंगा। एड के लिए मॉडल किसी अपने दोस्त को बना लो, पैसे बच जाएंगे। ये है रूबिक्स क्यूब। लेसन नंबर 1, किसी का भी काटना हो तो सूट बूट पहन के सामने आओ, ताकि देखने वाले पे इंप्रेशन पड़े भाई है तो यही है। इसके बाद 120 की स्पीड है। किसने मेरी जिंदगी बदली है? ये रूबिक्स क्यूब कब से लोगों की जिंदगी बदलने लगा? इससे पहले मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, पहले के मेंटल हॉस्पिटल में था। इसी क्यूब की वजह से आज मेरा कारोबार करोड़ों में। इसी छोटे से क्यूब ने आज मुझे पैसा दिया, गाड़ी दी, और आज इसी की वजह से मेरा करोड़ों में बंगला तैयार हो रहा। लखलानत ही कूड़ मरते। दानियाल भाई, ये क्यूब बेचना कितने का? सबर कर वाइज, मैं आ रहा हूँ। ठीक, मेरी गली के छापर भी तेज हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे ये उड़ता आ रहा है। वैसे तो ये क्यूब आपको मिलेगा 700 रुपए में, लेकिन हम आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में। तो अभी जाए जाके क्यूब को ऑर्डर करें ताकि आपकी जिंदगी भी वाइज भाई की तरह चेंज हो जाए। वाह भाई वाह, क्या ऐड था, मजा ही आ गया। तो ऐसे इसका डीएन स्टोर चलता है झूठ और स्कैम करके। ऐसे जो भी इंसान प्रॉफिट कमाएगा वो कहां से हिलाल कहलाएगा, हिलाली इंसान। पहले किसी को बुरा दिखाने में कोई कसर ना छोड़ो, बाद में सीधा उसकी गोद में बैठ जाओ। हर अपडेट की अलग अलग रील बना के अपलोड कर रहा है ये। तो अब ये दोनों ही मिलकर बड़ा स्कैम करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ। अगली वीडियो मोटे दिमाग वाले पे जाते जाते यही कहूंगा, इन जैसों के मुंह मत लगा करो, इनको फॉलो मत किया करो। अगर इनकी बातों के पीछे लगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। रिस्क लो लाइफ में, खुद एक्सप्लोर करो, तभी तुम्हें पता चलेगा जीत का मजा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तुम्हारी लाइफ में जो भी तुम्हारा बिगेस्ट फेयर है उसको क्लियर करो एंड स्टॉप बीइंग नंब। इनका कोर्स बाय करके रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास शायद का अमेजोन का कोर्स है, जिसको वो चाहे वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, मैं उसको फ्री में दूंगा, हो सकता है उसे तुम्हारी थोड़ी सी मदद हो जाए। सो यार, सी यू इन द नेक्स्ट वीक, मे बी टुमारो, आई डोंट नो। सो यार, बाय। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ऐसी फील आ रही थी कि मैं एक ही जगह पे बैठ के बोलता रहता हूँ तो आवाम मेरे से बोर ना हो जाती हो, इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं मंजिल है।